आगे बढ़ते हैं। इंदौर में महापौर का वीडियो वायरल होने पर अब पार्षद की भड़ास निकल ली है। जी हां, पार्षद ने अफसरों पर जमकर भड़ास निकाली। लगातार वायरल वीडियो के चलते परेशान है जनप्रतिनिधि। नगर निगम में अधिकारियों बनाम जनप्रतिनिधि जैसे हालात बन गए हैं। लगातार वायरल हो रहे वीडियो से परेशान है जनप्रतिनिधि, अधिकारियों पर भड़ास निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर आयोजित बैठक में गड्ढों से परेशानी के मुद्दे पर चर्चा की गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जनप्रतिनिधि वायरल वीडियो की वजह से बताया जा रहा है कि काफी परेशान है और नगर निगम में अधिकारी बनाम जनप्रतिनिधि का एक मोर्चा खुल गया है। पार्षद ने अफसरों पर जमकर भड़ास निकाली है। तो आपको बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पार्षद अफसरों पर भड़ास निकालते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के चलते जनप्रतिनिधि काफी परेशान है और इसी को लेकर अब एक मोर्चा खुल गया है अधिकारी बनाम जनप्रतिनिधि। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, मोर्चा खुल गया है, एक तरफ है अधिकारी, दूसरी तरफ है जनप्रतिनिधि, वायरल वीडियो को लेकर काफी परेशान है, बताइए पूरा मामला ये। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आम नागरिक ने कई सवाल खड़े किए थे महापौर के ऊपर कि महापौर किस तरीके से काम कर रहे हैं और महापौर के पास कोई विजन नहीं है, जिसके चलते यहां पर इंदौर में चिकनगुनिया और इसके साथ ही डेंगू के मरीज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही गड्ढों की बात की जाए तो शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, ड्रेनेज का पानी बाहर आ रहा है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद जनप्रतिनिधि अपने नंबर बढ़ाने के लिए बैठक के अंदर अपना खुद का वीडियो बनवाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवा देते हैं। ये पार्षद वासवाल का वीडियो है जिसके अंदर पार्षद जो है वो अधिकारियों के ऊपर पूरा फंडा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी ही रोड बनाते हैं, अधिकारी ही ड्रेनेज का पानी रुकवाने का काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ती है। महापौर का वीडियो, महापौर को लेकर जनता कोसती है, लेकिन देखिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी यही होती है कि वो जाकर पार्षदों से पार्षद जाकर अधिकारियों से काम करवाएं, जो परेशानी है जनता की वो अधिकारियों तक पहुंचाएं, और अधिकारियों से काम करवाने की जिम्मेदारी हमेशा जनप्रतिनिधि की होती है, लेकिन जितनी यहाँ पर अपना जो गुस्सा है वो अधिकारियों पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा भांडा जो है वो अधिकारियों पर फोड़ दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आठवीं बार नंबर वन के लिए दावा कर रहा है इंदौर, लेकिन इंदौर के हाल जो वो बेहाल है। कई जगहों पर अगर देखा जाए तो कचरों का ढेर नजर आने लगा है। साफ सफाई की बात की जाए तो साफ सफाई में पिछड़ता हुआ इंदौर नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों के अंदर जो नालियों का पानी वो बाहर आ रहा है, जिसके कारण डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। 5 साल में पहली बार डेंगू के मरीज 500 पार हो गए, और अभी अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं 24 घंटे में 12 डेंगू के मरीज फिर से सामने आए। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग क्या कड़े कदम उठा रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने पिछली बार दावा किया था। महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। ये सब करने का काम किसका है? आप लोगों का। रोड बनने